नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, जो आज का वीडियो होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2। चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और क्लास है हमारी 8। आज की वीडियो में बेटा आपको जो ये 6.2 है एक्सरसाइज, इसके सभी क्वेश्चनों को सिंपल और कॉन्सेप्ट के जरिए समझाऊंगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं भी देखी है, कॉन्सेप्ट आपने नहीं भी सीखे, तो क्वेश्चन के थ्रू भी आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी ये जो नंबर दिए हुए हैं उनके हमें स्क्वायर फाइंड करने। हमने सीखा था बेटा, अगर एक कोई नंबर, मान लो कोई नंबर है n है और वो दूसरे नंबर की पावर रेज टू के रूप में एक्सप्रेस करा जाता है, तो हम इस नंबर को तो हम कहते हैं स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और जबकि इसको बाद में सिखाऊंगा आपको, इसको कहते हैं हम एम को स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। m को क्या कहते हैं हम, स्क्वायर रूट, और जो n है उसको स्क्वायर कहते हैं। तो बेसिकली अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम उस नंबर की उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि बिना आप स्क्वायर करे हुए, यानी बिना उसी नंबर की मल्टीप्लाई करे हुए कैसे स्क्वायर को फाइंड करेंगे। तो मैं तीनों मैथड यहाँ पर सिखाता हूँ और फिर हम जो आपको बेस्ट लगेगा उसको फॉलो करना। चलिए बेटा सल्यूशन देखो। बेटा पहला है 32 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखो बेटा मेथड फर्स्ट, जो आपको सबको पता है कि भाई 32 का स्क्वायर निकालने का जो सबसे नीट एंड क्लीन मेथड है वो है उसी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं रफ। यहाँ हमें 32 की मल्टीप्लाई करनी है 32 से, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा और ये 3 2 क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा और 3 3 9, तो ये जाएगा आपका 4 ऐसे, और ये 6 और 6 हो गया हमारे 12, 1 हमारे पास में 9 और 1 हो गया 10। तो ये आ गया बेटा 32 का स्क्वायर आ गया 1024 आ गया। लेकिन ये मेथड बहुत सिंपल था और बड़े जब नंबर होंगे, जब ये ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, तो इसके लिए मेथड सेकंड पे वर्क करते हैं, ठीक है। यानी 32 का स्क्वायर फाइंड करने का तरीका कि पहले हम क्या करेंगे, 32 को आपको क्या करना है बेटा, ब्रेक करना है, यानी ऐसे नंबर के करीब में जहाँ पे 10 आता हो। तो हम लिख सकते हैं इसे 30+2, यानी 10 या 10 का मल्टीपल आता हो, और ये रहा हमारा स्क्वायर। अब देखो बेटा, आपने पावर ऑन एक्सपोनेंट वाले में पढ़ा होगा कि अगर किसी की पावर 2 हो तो उसका मतलब होता है उसी पूरे नंबर या जो हमारा ग्रुप है उसको उसी से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको ब्रैकेट सॉल्व करना आता होगा। पहले हम इस 30 की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की इस पूरे ब्रैकेट से, यानी 30 यहाँ लिखा और उसकी मल्टीप्लाई करी 30+2 से। नाउ पुट करते हैं 2 को और फिर इसकी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इस पूरे ब्रैकेट से। देखो ये बहुत सिंपल मेथड है, 3 3 9 और ये 2 0 अपने पास है ही है इसकी नंबर के जो पीछे आई हैं, ठीक है। इसके बाद में 3 2 6 यानी 60 हो गया, प्लस 3 2 6 अगेन 60 और 2 2 4 हो गया, ठीक है। यहाँ अगर आप बात करें तो देखो 900 हैं और 60 और 60 120 हो जाएगा आपका, और ये 4 अलग लिखना है। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम 900 और 120 और ये 4, तो ये 4 हो गया, इन सबको ऐड करना हमें, और ये 2 हो गया, 9 और 1 10, तो ये भी आ गया हमारा कितना आ गया बेटा 1024, यानी 32 का जो स्क्वायर आ गया 1024 आ गया। ये हो गया मेथड हमारा सेकंड हो गया। एक और मेथड होता है बेटा, मेथड थर्ड है हमारा, इसमें हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अगर आपको आता है तो। देखो बेटा 32 का स्क्वायर हो गया हमारा 30+2 का होल स्क्वायर। आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। लेकिन 2ab बीच में भी आता है, लेकिन फार्मूला लर्न करने के लिए हमने वहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे हम वर्क करेंगे इसके ऊपर,
तो ये हो गया ए के प्लेस पे वर्क कर रहा है 30, तो 30 का स्क्वायर, बी के प्लेस पे 2 वर्क कर रहा है प्लस 2 अपनी तरफ से, और ए और बी यानी 30 इंटू 2 हो गया, सही है। ये हो गया 900 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस ये 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। और अगर हम आप देखेंगे ये सेम वही हो गया एडिशन, 120, 900 और 4 यानी 10 और ये 24। तो ये आपके पास में तीनों की तीनों मेथड्स हैं। अब आप इनसे किसी भी तरीके से फाइंड कर लें, लेकिन ये वाला मेथड है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, और ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन इससे निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कभी क्वेश्चन इस तरीके से निकालने के लिए उसी नंबर की मल्टीप्लाई बिना करे हुए आपको अगर निकालना हो तो हम ऐसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे वर्क करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है 35 का स्क्वायर, यानी 35 का होल स्क्वायर लिखा हमने, ठीक है। तो यह आ जाएगा बेटा 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसी नंबर के इसी से मल्टीप्लाई करनी है, यानी दो बार हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा पहले 30 की इस पूरे ब्रैकेट से, यानी 30 प्लस 5, फिर इस 5 को उठाएंगे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 यानी 900 और 3 5 15 यानी 150 और 5 3 15 अगेन 150 और फिर 25 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, 900 और 150 और 150 300, तो 900 और 300 1200 और 25 यानी 1225 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 86 का फाइंड करना है स्क्वायर, तो 86 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। अब हम वर्क करते हैं 86 के होल स्क्वायर के ऊपर, यानी 86 प्लस 6 इंटू 86 प्लस 6 अगेन, क्योंकि ये पावर 2 है तो दो बार मल्टीप्लाई करना है। अब हम 80 को उठाते हैं पूरे ब्रैकेट से, फिर 6 को उठाएंगे पूरे ब्रैकेट से, तो 80 इंटू 80 प्लस 6, फिर 6 को 80 प्लस 6, क्लियर है। 8 से 8 की मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है, ये डबल ज़ीरो वैसी रहेंगी, 8 की 6 से 8 6 48 प्लस 8 6 48 प्लस 6 6 36 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा एडिशन करना पड़ेगा हमारे को, यहाँ करते हैं हम कैलकुलेशन को। तो ये रहा इसका एडिशन बॉक्स, तो ये हो गया, ठीक है बेटा, इतना और 480 और 480, ये 800 हो गया, 800 फिर 900 और ये हो गया 960, क्योंकि 80 और 80 क्या होते हैं बेटा, 160 होते हैं, तो ये हो गया 400 और 400 तो हो गया 800 और 160 960 हो गया, यानी 960 और उसमें ऐड करना हमारे को 36, तो 6 और ये 9 और ये 3 हो जाएगा और ये 7 आ जाएगा, यानी ये आ गया हमारा 86 का जो स्क्वायर आया है वो आया है 7396, ठीक है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 93 का स्क्वायर निकालना है, तो 93 का स्क्वायर मींस 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब वर्क करते हैं वैसे, यानी 90 प्लस 3 दो बार लिख देंगे, 90 प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल 90 और 90 प्लस 3 प्लस 3 एज इट इज़ 90 प्लस 3, यानी पहले 90 की पूरे ब्रैकेट से फिर 3 के पूरे ब्रैकेट से, तो वर्क करते हैं 9 9 ज़ा 81 हो गया और ये 00 रही पैसे, 9 3 ज़ा 27 और ये 0 ऐसी रही, ये भी वही आ जाएगा 9 और ये आ गया 3 3 ज़ा 9। अब इन सब को हमें ऐड करना है, तो इसके लिए भी एक बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं हम रफ। तो ये हो गया बेटा
8100, 200 और 200 400 और 170 70 140, तो 540 हो जाएगा ये। 540 प्लस 9 अपने पास है, और ये 9 और ये 4 और ये 6 और ये हो गया 8, यानी ये आ गया हमारा 93 का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया बेटा 8649। ठीक है, चलेगा। अब हम वर्क करते हैं बेटा, ये तो फोर्थ पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम वर्क करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरह। फिफ्थ पार्ट कहता है बेटा 71 का स्क्वायर निकालना है, तो 71 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका मतलब ये हो गया 70 प्लस 1 अगेन 70 प्लस 1। यहाँ अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें इसको ब्रैकेट ओपन करके, तो ये हो गया 70 की मल्टीप्लाई करनी है 70 प्लस 1 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई भी करनी है 70 प्लस 1 से। तो यहाँ 7 का स्क्वायर बहुत सिंपल है 49, और ये 00 एज इट इज़। 70 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम रिजल्ट रहेगा 1 से, और फिर 1 और आ गया, तो यहाँ आ गया बेटा आपका ये 4900 यानी 4900 है। 70 और 70 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 140, यानी 140 को अगर 49 में अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा 5040 प्लस हमारा क्या हो जाएगा बेटा 1 और, यानी 5000 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, यानी 5041 हो जाएगा। ठीक है मेरा, ठीक है बेटा। अब ये लास्ट पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन का, वो है क्वेश्चन का हमें 46 का स्क्वायर निकालना है, तो ये रहा हमारा 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, और उसका मतलब है 40 प्लस 6 इंटू 40 प्लस 6 मल्टीप्लाई करते हैं बेटा ब्रैकेट की, तो 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 6, फिर हमें 6 को यूज़ करेंगे तो 40 प्लस अगेन 6 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाता है, ठीक है, और 4 छक 24 यानी 240 प्लस 240 प्लस 36, तो 1600 और 240 और 240 हो गए हमारे 480, 480। तो यहाँ एडिशन कर लेते हैं इस बॉक्स में, हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं, तो हो गया 1600 और 240 और 240 480, और हमारा 36 है तो 6 8 3 11 का 1, 6 और 4 10 और 1 11, और ये 1 और 1 2 2 1 1 और ये 6, तो ये आ गया 46 का स्क्वायर। ठीक है, ये सारा की सारा हमारा रफ है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम, स्क्वायर एक ये रहा हमारा और एक ये रहा, ठीक है, और एक हमारा ये रहा, ठीक है, यहाँ मैंने मार्क कर दिए ये रहा, और यहाँ पे हो गया हमारा ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, तीनों मेथड मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यूज़ करे थे, इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट के लिए, उसके बाद में मैंने एक ही मेथड यूज़ करा है जो मेरे को अच्छा लगता है, कि वो कई बार क्या होता है कि बिना मल्टीप्लाई उस नंबर को करे हुए हमें स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहेगा, तो ये बेस्ट होता है सबसे, ठीक है। तो इसी मेथड से मैंने करे, अदरवाइज़ आपकी चॉइसेस हैं आपके पास में, आप फर्स्ट मेथड को फॉलो करो, सेकंड को, थर्ड को, किसी भी मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं, बुक्स में अलग अलग होते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूँगा। अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कहता है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज ये रहा, यानी आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है जिनमें से एक मेंबर ये है। आपको मैं बता दूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, जैसे ये थ्री नंबर हैं, जैसे मैं आपको समझा देता हूं बेटा, थ्री नंबर है, जैसे हमारे पास में थ्री
फोर और फाइव, अगर मैं थ्री का स्क्वायर करूँ नाइन हो जाएगा, स्क्वायर निकालते हैं अगर हम इसके तो नाइन हो जाएगा, और फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन, और फाइव का स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करो यानी नाइन प्लस सिक्सटीन तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव। तो यहाँ हो क्या रहा है, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर ये इक्वल्स टू है फाइव के स्क्वायर को। तो ये थ्री नंबर थ्री फोर फाइव इन्हें कहते हैं बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो का स्क्वायर का जो सम है वो एक तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इफ या फोर ऐसे लिखते थे, फोर एनी नेचुरल नंबर नंबर एम ग्रेटर देन वन, टू एम कॉमा एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन फॉर्म्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी ये क्या बनाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। अब ये तीन मेंबर है हमारे पास में, ठीक है, ये ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। इसका मैंने प्रूफ भी करा रखा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जब डेफिनेशन बताई थी आप वहाँ वीडियो में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ इनमें से एक मेंबर हमारे पास में गिवन है। अब बेटर होगा हम देख के बात करें, आपको एट्थ क्लास में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इवन दिया हुआ है। अगर इवन नंबर दिया है तो आप इनमें से सिंपल सा इसको एक मेंबर कंसिडर कर लें, वहाँ से एम की वैल्यू फाइंड करें और अदर मेंबर आप फिर उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ बेटा, सॉल्यूशन देखिए बेटा। तो पहला देखो बेटा, लेट 2m कॉमा एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस वन आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, गिवन वन मेंबर सिक्स है। तो लेट कर लेते हैं बेटा इसको हम कि टू एम को हमने क्या कंसिडर कर लिया, सिक्स के इक्वल। तो यहाँ से टू मल्टीप्लाई में तो सामने जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया थ्री। तो नाउ बात करते हैं हम, तो एम मल्टीप्लाई बाय टू यानी पहला मेंबर तो वही आ जाएगा वापस ही जो हमारे पास में, दूसरा मेंबर क्या था एम स्क्वायर माइनस वन वो हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस वन यानी नाइन माइनस वन यानी एट आ जाएगा, और दूसरा जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन, दूसरा इन द सेंस कि पहला तो गिवन ही था ना, तो थ्री स्क्वायर और प्लस वन यानी नाइन प्लस वन यानी आ गया टेन, ठीक है। हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया बेटा, इस ये हो गया हमारा पहला सिक्स है, फिर दूसरा मेंबर एट है और फिर टेन है, ठीक है। यही इसी तरीके से वर्क करते हैं हम दूसरे पार्ट के लिए। तो लेट टू एम और एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन बी रिक्वायर्ड ट्रिपलेट है, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और 2m को हमने कंसीडर करा सेकंड केस में 14, व्हिच इम्प्लाइज m आ गया 14 अपॉन में 2 यानी 7। सो अगर हम बात करें बेटा अगले मेंबर्स की बात करें, पहले तो जो मेंबर है वही लिख देते हैं यानी वो है हमारा 14 ही है, और दूसरा क्या है बेटा एम स्क्वायर माइनस वन यानी हो जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर माइनस वन यानी 49 में से 1 तो 48 आ जाएगा, ठीक है। जो अगला मेंबर है एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यानी हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 यानी 50,
हेंस पाइथा गोरियन ट्रिपलेट क्या जाएगा बेटा 14, 48, 50 ठीक है। इस वाले पार्ट को बेटा रब करना पड़ेगा, डेफिनेशन आपने देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, तो थर्ड पार्ट में लेट कर लेते हैं भाई 2m और m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 और पाइथागोरियन ट्रिपलेट ठीक है बेटा। तो इनमें से वन मेंबर क्या है 16 कंसीडर करना है, तो लेट कर लेते हैं 2m इक्वल्स टू 16 विच इम्प्लाइज m आ गया 16 अपॉन में 2 यानी 8। सो तो पहला मेंबर तो वही आ जाएगा वापस जो गिवन है, इसको निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी बेटा 16। अगला है हमारा m स्क्वायर माइनस 1 यानी 8 का स्क्वायर में से 1 यानी 64 माइनस 1 63 और यहाँ क्या ना m स्क्वायर प्लस 1 यानी 8 के स्क्वायर में 1 को हम ऐड कर देंगे यानी 64 प्लस 1 यानी 65 हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गया बेटा ये आ गया, पहले तो गिवन था 16 और नेक्स्ट आया 63 और 65 आया ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इसका जो पार्ट है वो 18 दिया हुआ है वन मेंबर, तो लेट 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और लेट करा वन मेंबर इन्होंने क्या दिया 18, तो 2m को हमने 18 के कंसीडर करा तो m हो गया 18 बाय 2 यानी 9। सो पहला मेंबर तो वही आ जाएगा वापस 2m यानी 2 और m की वैल्यू कितनी है 9 यानी ये हो जाएगा 18 और नेक्स्ट आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 के स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 81 में से 1 ये आ गया आपका 80 और m स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 के स्क्वायर में आपको 1 ऐड करना है 81 प्लस 1 तो ये हो जाएगा बेटा आपका 81 प्लस 1 क्या हो गया 82 तो हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आ गए हमारे इसके आ गए बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आ गए हमारे क्या आ गए ये हो गया हमारा पहला आ गया जो था मेंबर 18 गिवन था, दूसरा आया 80 और नेक्स्ट आया 82 आया ठीक है बेटा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चलिए बेटा।